नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूके में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, कोरोना वायरस से दोगुने घातक नए स्ट्रेन के बारे में बीआरजी न्यूज से डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने की खास बातचीत। मध्य गुजरात किसान संगठन की ओर से कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शहीद किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। रावपुरा पुलिस ने किसान अग्रणियों को किया गिरफ्तार। ईजीएसयू ग्रुप की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को दिया गया आवेदन। एसवाई और टीवाई बीकॉम के मॉक टेस्ट फिर से करने की गई मांग। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बड़ौदा शहर में कार्यरत वन गुजरात एयर स्क्वाड्रन के एनसीसी कैडेट की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया है, जिसमें बड़ौदा शहर में आए ऐतिहासिक स्थानों की साफ सफाई की जा रही है। आज एनसीसी कैडेट की ओर से कीर्ति स्तंभ सर्कल को साफ किया गया था। आज वन गुजरात एयर स्क्वाड्रन के एनसीसी कैडेट की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया, जिसमें बड़ौदा शहर के ऐतिहासिक धरोहर की सफाई की जाएगी। आज एनसीसी कैडेट ने कीर्ति स्तंभ सर्कल की साफ सफाई की थी। साथ ही में बड़ौदा के नागरिकों से भी बड़ौदा में साफ सफाई रखने अपील करते पोस्टर भी लगाए गए थे। आज रोज वन गुजरात एयर स्क्वाडन एनसीसी द्वारा जे आपणे वडोदरानी अंदर हिस्टोरिकल प्लेस जे छे सर्कल जे दरेक जग्याए आवेला छे त्यानुं स्वच्छताना अभिगम तरफथी आजना बाळको जे एनसीसी कैडेट्स छे एना द्वारा स्वच्छता कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, तब मध्य गुजरात किसान संगठन की ओर से बड़ौदा में भी कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। आज मध्य गुजरात किसान संगठन की ओर से इस विरोध प्रदर्शन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई थी और साथ में धरना प्रदर्शन भी किया गया, पर ऐन वक्त पर रावपुरा पुलिस ने कार्यवाही की और किसान संगठन के अग्रणियों को गिरफ्तार किया गया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर समेत देश के विभिन्न विस्तारों में विरोध प्रदर्शन जारी है, तब आज मध्य गुजरात किसान संगठन ने इस विरोध प्रदर्शन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी थी। गांधीनगर गृह पे मध्य गुजरात किसान संगठन के सदस्यों ने जब ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया, तब रावपुरा पुलिस ने किसान संगठन के सदस्यों को रोकने की कोशिश की। वहीं किसान संगठन के सदस्यों ने जब धरना प्रदर्शन पर बैठने की कोशिश की, तब रावपुरा पुलिस ने किसान अग्रणियों को गिरफ्तार किया। सब किसान एक है, हम सब किसान एक है, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार लोकशाही देशना खेडूतो साथे अत्यारनी तारीखे लोकशाहीनुं गळुं दबावी અને પ્રજાતંત્રને હેરાન કરવાનો સરમગત્યાર સહાય કરવાનો આ જુલમ આજે અમારા જ કિસાનોના દીકરા એક બાજુ પોલીસ એ સરહદો ઉપર રક્ષા કરે છે, દેશમાં રક્ષા કરે છે, અને એ લોકોને જનતાનું અને પોલીસના જવાનોનું પેટ ભરવા માટે ખેડૂત આ દેશમાં અન્ન પકવીને એમની પણ સેવા કરી રહ્યા હોય તો એવી સરકાર, નકમ્મી સરકાર આજે એમના ઉપયોગ કરીને આજે ખેડૂતો ઉપર જુલમ કે દબાણ કરી અને અમારા ચાલતા ગાંધીજીના માર્ગે ચાલતા આંદોલનને કેમ આવું કરી રહી છે એ કંઈ ખબર પડતી નથી। સરકાર જો એમ કહેતી હોય કે આ ખેડૂતોના હિતમાં આ કાયદો બનાવ્યો છે, ખેડૂતોના હિતમાં નહીં પરંતુ નાના મોટા વેપારીઓના હિતમાં થવાનો છે, આ દેશની ઉન્નતિ અને પ્રગતિ માટેનો કાયદો છે, તો સરકાર વિરોધ કરનારા ખેડૂતો કે એમનો શા માટે વિરોધ કરીને આવી ધરપકડો કરવાનું કામ કરી રહી છે એ અમને સમજાતું નથી, અને દેશનું લોકશાહીનું ગળું દબાવવાના બદલે આપણને સાથ સહકાર આપીને અમારી જે મુખ્ય માગણીઓ છે અને આ કાયદાને રદ કરવા માટે અમારી વિનંતી છે। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी मुख्यालय पर आज ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन की ओर से आवेदन दिया गया,
जिसमें SY और TY BCOM के जो मॉक टेस्ट आज आयोजित हुए थे उसमें कई सारे छात्रों को ID और पासवर्ड मुहैया नहीं हुए, तब मॉक टेस्ट को एक बार फिर आयोजित करने की मांग की गई थी। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में आज SY और TY BCOM इम्तिहान के मॉक टेस्ट आयोजित हुए थे, पर उस टेस्ट के लिए ID और पासवर्ड बीती रात 11 बजे के बाद छात्रों को भेजे गए, जिससे कई छात्र मॉक टेस्ट में हिस्सा लेने से चूक गए। तब आज ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी मुख्यालय पर इस मुद्दे पर आवेदन दिया गया, जिसमें मॉक टेस्ट को एक बार फिर लिया जाए ऐसी मांग की गई थी। आज रोज यूनिवर्सिटी द्वारा कॉमर्स फैकल्टी अंदर सेकंड ईयर BCOM और थर्ड ईयर BCOM की एक मॉक टेस्ट योजना आई थी। आना समय में NCM जो 70 मार्क्स वाली एक्जाम हो कई रीते आपने एक मॉक टेस्ट थी, परंतु आ मॉक टेस्ट ID पासवर्ड गई काले रात्र 11 मोकलवायुत जरा बदाज विद्यार्थियों खाई पीने आराम करता हो सू जाए तरह आ सीस्टम काम करे यूनिवर्सिटी सीस्टम ऊंधू कार्य है। तो आ शाट थू वेबसाइट टेक्निकली खराबी ने कारण कि कोई कहवा कारण तो दरक विद्यार्थी सुधी हजू सुधी ID पासवर्ड पहुंचू नहीं के बदा असंख्य विद्यार्थी एवं है कि जो लोग हजू आज मॉक टेस्ट आपी नहीं सकता। तो अमारी मांग थी कि एक बार आ मॉक टेस्ट फरी पाछी योजवामां आवे, साथ साथ जे भी विद्यार्थी ID पासवर्ड थी वंचित रही गया है ए बधा ज विद्यार्थियों ने ID पासवर्ड तात्कालिक स्वरूपे मोकलवामां आवे, जेथी दरेक विद्यार्थी एग्जाम आपी सके। इस मांग पे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें मॉक टेस्ट को एक बार फिर लिए जाने की हामी भरी गई और वहीं पासवर्ड और ID दिन के समय में भेजने की भी बात कही गई थी। आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोड़ा की तीजा तबक्का की परीक्षा की मॉक टेस्ट आयोजन करेल है। विद्यार्थियों ने थोड़ू कन्फ्यूजन एत के आ बेकलॉगवाड़ा विद्यार्थियों की मॉक टेस्ट है कि रेग्युलर विद्यार्थियों की मॉक टेस्ट है, ये कन्फ्यूजन साथ आज रजूआत करवा कॉमर्स करवा कॉमर्स फेकल्टी अमुक विद्यार्थियों अमरी पास आया था। तमनु क्लेरिफिकेशन दूर करेलू है कि आ मॉक टेस्ट है ये बेकलॉगवाड़ा जो विद्यार्थी था एनी ए पण बेसी शके ने रेग्युलरवाड़ा विद्यार्थी पण बेसी शके, जो कि कॉमर्स फेकल्टी नी फाइनल परीक्षा हजी डिक्लेर ज नथी थई एटले एमनी फरी वक्त एक मॉक टेस्ट थवानी छे, जे जाणीने विद्यार्थीओनुं कन्फ्यूजन दूर थयुं छे अने ए फाइनल एक्जाम नक्की थशे तेना पहेला मॉक टेस्ट पण थशे, एनी अंदर विद्यार्थीओ बेसी अने पछी परीक्षा आपी शकशे। बड़ौदा शहर के नवनाथ महादेव मंदिरों में से एक रामनाथ महादेव मंदिर के आसपास गंदगी की वजह से भक्त और स्थानीय निवासी परेशान है। तब आज सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से रामनाथ महादेव के आसपास की साफ सफाई करने की मांग पालिका से की गई थी। बड़ौदा शहर के नवनाथ महादेव मंदिरों में से एक रामनाथ महादेव मंदिर के आसपास गंदगी से वहां दर्शन करने आते भक्त समेत आसपास के निवासी परेशान हो चुके हैं। तब आज सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से रामनाथ महादेव मंदिर के आसपास पालिका की ओर से जरूरी साफ सफाई की जाए ऐसी मांग की गई थी। जय रामनाथ महादेव मंदिर महादेव। आज रामनाथ महादेव नवनाथ नो एक नाथ छे अने भगवान श्री राम वनवास दरमियान एक दिवस विसामो करेलो अने तलावनु निर्माण करवामां आवेलू अने हाल में आज आज राम भगवान एक अस्तित्व धरावनार तलाव आजे एनी अवी दुर्दशा थयेली छे अने बस आपणे वडोदराना शहरीजनों ने फक्त बस जान करवानी छे कि आवुं राम भगवान अस्तित्ववाळुं एक मंदिर अहीं आवेलुं छे वडोदरामां छे तेवुं वडोदराना रहेवासीओने फक्त आपणे जाण करी छे अने तलावनी साफ सफाई करवामां आवे अने एनुं रिनोवेशन करवामां आवे तेथी वडोदरामां आनी रामनाथ महादेव मंदिरनी एक पवित्रता जणवाई रहे बस आपणी कॉर्पोरेशनने फक्त आटली विनंती छे बस। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज। BRG ग्रुप
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में बड़ौदा शहर के कई नागरिकों ने राहत कोष के अंदर अपना योगदान दिया था। उनमें से जिन नागरिकों की ओर से ज्यादा योगदान दिया गया उन्हें आज सम्मानित किया गया था। अभी बीते दिनों सशस्त्र सेना झंडा दिवस गया है, जिसमें बड़ौदा के कैडेट्स की ओर से सेना में शामिल जवानों समेत शहीद जवानों के परिवार और देश रक्षा में घायल और सेवानिवृत्त जवानों के लिए सहायता राशि एकत्रित की जाती है, जिसे झंडा दिवस कोष में जमा करवाया जाता है। आज सशस्त्र झंडा दिवस के उपलक्ष्य में बड़ौदा के जिन दाताओं ने अधिक सहायता राशि दी है, जो देश के जवानों के काम आएगी, उनको सम्मानित किया गया था। देश के जवानों समेत शहीद जवानों की आर्थिक सहायता हेतु अपना योगदान देने वाले नागरिकों को उनकी सहायता का धन्यवाद आज किया गया था। सभी को पहले मेरा नमस्कार। आज का ये जो आयोजन 23 दिसंबर 2020 को हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो सेना को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे सिविल समाज के बहुरंगीय लोग हैं, अनेकों डिपार्टमेंट से, सरकारी डिपार्टमेंट, उद्योग, सरकारी गैर सरकारी स्कूल और अन्य व्यक्तिगत लोगों ने जो फंड हमें दान दिया है, जिसकी वजह से विभिन्न सहायतार्थ कार्यक्रम सैनिकों, पूर्व सैनिक और शहीदों के योग हितार्थ चलाए जाते हैं भारत सरकार और गुजरात सरकार द्वारा, उस फंड के दाताओं को, जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनको हमने बुला के सम्मानित किया है। और इस सम्मानित करने का जो आयोजन किया है, इसका एक ही प्रयास है कि वो लोग हमेशा मोटिवेटेड रहें, सेना क्या कार्य कर रही है सिविल समाज के लिए, देश के लिए, उस भावना को समझें और वो ये भी समझें कि यदि कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसका परिवार उनकी खुद की देखरेख में आ जाता है सिविल समाज की। इस जिम्मेदारी के तहत और इस भावना के तहत, इस मोटिवेशन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी वो फंड हमें दान करते रहें, इस प्रकार की भावना को यहाँ पर प्रेरित करने के लिए इस आयोजन को किया गया है। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आयोजन हुआ। बड़ौदा शहर के जयरत्ना बिल्डिंग के पास 40 साल पुराने गणेश मंदिर को लेकर आज विवाद हुआ। गणेश मंदिर को तोड़ने की पालिका ने नोटिस जारी की, जिसके बाद स्थानीय निवासी और स्थानीय अग्रणियों और पालिका के कर्मियों के बीच तू-तू में देखने को मिली। शहर के जयरत्ना बिल्डिंग के पास आए 40 साल पुराने गणेश मंदिर को लेकर आज स्थानीय अग्रणियों और पालिका के बीच विवाद हुआ। अन्यों ने बैंक की जगह पर 40 साल से गणेश मंदिर बनाया गया था, जिसकी हालत जर्जरित होने पर नए मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें मंदिर निर्माण में पुराने मंदिर से कुछ और जगह का इस्तेमाल किया गया, तब पालिका की ओर से मंदिर तोड़ने की नोटिस दी गई। और आज जब मंदिर तोड़ने की कार्यवाही करने आए पालिका के कर्मियों से स्थानीय आगेवानों का घर्षण देखा गया। वहीं पुलिस की दरमियानगिरी से स्थानीय निवासी और पुलिस के बीच भी अनबन देखने को मिली। आज जयरत्ना बिल्डिंग पर है गणपति दादा नु मंदिर, छेल्ला 40 वर्ष थी मंदिर छे, लोगों ने खूब आस्था छे आ मंदिर पर, लोग 40 वर्ष थी आजूबाजू ना तमाम लोग अहीं दर्शन करवा रोज सवार सांज आवता होय। आ जगह अन्नोनी बैंक थी, ए बैंक नी जगह थी, ए बैंक वाला ए मंदिर बनावा 40 वर्ष अगौ अमने आपेली। अहींना जे ट्रस्टीओ छे, अमारा विस्तारना आगेवानो छे, હવે એવું થયું કે મંદિરમાં થોડું પાણી એ થતું હતું, ભક્તોને આવવા જવા થોડી તકલીફ પડતી હતી, એટલે મંદિર 40 વર્ષ જૂનું એટલે જર્જરિત થઈ ગયેલું, એને નવું બનાવવા માટે અમે થોડું રિનોવેશન કરવા માટે કામ ચાલુ કર્યું। જે મંદિર હતું એનાથી 1-2 ફૂટ અમે અંદર લીધું છે। કોર્પોરેશનવાળા એવું કહે છે કે ના, મંદિર તોડવા આવી ગયા છે। જે કોર્પોરેશન, જે સત્તાધારી પક્ષ હિન્દુના નામ પર, ભગવાનના નામ પર, સરકાર પર બેસી ગયા, ને અમારું મંદિર તોડવા આવી રહ્યા છે। અમે કોઈ પણ હાલતમાં અમારું મંદિર તોડવા દેવા નથી। અમારી એમની જગ્યા નથી, કોર્પોરેશનની જગ્યા નથી, આ બેંકની જગ્યા છે, પ્રાઇવેટ જગ્યા હતી ને એ અમને મંદિર બનાવવા આપેલી છે। એટલે અમારો એ સખ્ત વિરોધ છે કે જે કંઈ અધિકારી આવ્યા છે પાછા જતા રહે, અને અમારી કને એના પ્રૂફ બી છે, કાગળ છે, ફાઇલ છે કે આ પ્રાઇવેટ જગ્યા છે અમારી ને એમાં જ અમારું મંદિર છે, ને કદાચ 1-2 ફૂટ આગું પાછું કરવાનું કે અમે સમાધાન કરવા તૈયાર છે, પણ એ જે પ્રમાણે દાદાગીરી કરી રહ્યા છે એ પ્રમાણે અમે કોઈ પણ હાલતમાં અમારા વિસ્તારના લોકો કરવા દેવાના નથી। कोरोना महामारी के बीच इन दिनों बड़ी खबर चल रही है, जिसमें यूके में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है, जो स्ट्रेन पुराने कोरोना वायरस से काफ़ी जानलेवा है। तब आज
गोत्री मेडिकल हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शीतल मिस्त्री से कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन पर बीआरजी न्यूज ने खास बातचीत की थी। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया दहशत में है। कोविड 19 के वायरस की तुलना में यह नया स्ट्रेन 70% अधिक खतरनाक है। इसी वजह से पूरी दुनिया इसे लेकर चिंतित है। भारत समेत दुनिया भर के करीबन 40 से अधिक देशों ने विमान सेवा पर रोक लगा दी है और खुद को ब्रिटेन से अलग थलग कर दिया है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राहत की खबर दी है कि ब्रिटेन में पाया गया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अभी आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण के बाहर नहीं आया है। WHO का कहना है कि मौजूदा उपायों के साथ इस पर काबू पाया जा सकता है। इस मुद्दे पर आज बीआरजी न्यूज ने गोत्री मेडिकल हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शीतल मिस्त्री से खास बातचीत की थी। જ્યારથી કોરોનાની મહામારી ચાલુ થઈ ત્યારથી કોરોના વાયરસ પોતાનો રંગરૂપ બદલતો રહ્યો છે, જેને આપણે મ્યુટેશન કહીએ છીએ, અને દર મહિને 1-2 મ્યુટેશન કોરોના વાયરસમાં નોંધાતા હોય છે અને અત્યાર સુધીમાં કોરોના વાયરસમાં લગભગ 4,000 જેટલા મ્યુટેશન થયા છે। ખાસ કરીને કોરોના વાયરસનું જે સ્પાઇક પ્રોટીન છે કે જે સરફેસ ઉપર સ્પાઇક પ્રોટીન છે એને એસ પ્રોટીન કહીએ છીએ, એમાં ઘણા બધા એમાઇનો એસિડ હોય છે અને એ એમાઇનો એસિડમાં ચેન્જ થવાથી આ મ્યુટેશન નોંધાતા હોય છે। અને જે યુકેના પબ્લિક હેલ્થ ઓફ ઇંગ્લેન્ડે જાહેર કર્યું કે અમારે ત્યાં જે નવી સ્ટ્રેન આવી છે જેને આ લોકોએ N501Y વેક્સિન કીધી છે, N મીન્સ એસ્પારજિન, એટલે 501મી પોઝિશનમાં સ્પાઇક પ્રોટીનમાં જે એમાઇનો એસિડ 1600 એમાઇનો એસિડ હોય છે એમાંથી 501મી પોઝિશનમાં જે એસ્પરજિન નામનો એમાઇનો એસિડ છે એની જગ્યાએ ટાયરોસિન નામનો એમાઇનો એસિડ ગોઠવાયો છે। અને આનાથી જે વાયરસ ACE2 રિસેપ્ટર જોડે સંલગ્ન થાય છે એમાં એટ્રેક્શન વધી જાય છે અને બહુ સહેલાઈથી એ શરીર માનવ શરીરમાં સંક્રમણ ફેલાવી શકે છે। આમ આ વાયરસના લીધે સંક્રમણ પ્રસાર દર કે ટ્રાન્સમિસિબિલિટી ઓફ ધ વાયરસ ખૂબ વધારે છે। સામાન્ય રીતે કોરોનાનો વાયરસ એક દર્દી 2.8 લોકોને સંક્રમિત કરી શકતો હોય છે। આ જે 2.8 લોકોને સંક્રમિત કરી શકે છે એને આપણે બેઝિક રિપ્રોડક્શન રેટ કહેતા હોઈએ છીએ। આ નવી સ્ટ્રેનના લીધે આ બેઝિક રિપ્રોડક્શન રેટમાં 0.93નો વધારો થયો છે। લગભગ 30-35% જેટલા કોરોનાના કેસોમાં વધારો નોંધાય એવી શક્યતા પબ્લિક હેલ્થ ઇંગ્લેન્ડે જણાવી છે। અને એના લીધે લગભગ 13 ડિસેમ્બર સુધી યુકેમાં 1,108 કેસો નોંધાયા છે અને એમાંથી 4 રીઇન્ફેક્શનના કેસો પણ નોંધાયા છે। એમાં મૃત્યુદર પણ ખૂબ વધારે નથી નોંધાયો। એટલે હાલની તારીખે આ વાયરસના લીધે દર્દીના લક્ષણો ગંભીર પ્રકારના થશે કે મૃત્યુદર વધશે એ કહેવું મુશ્કેલ છે। મગજમાં પ્રશ્ન થાય કે આ વાયરસના લીધે જે વેક્સિન શોધાય છે એ ઇનઇફેક્ટિવ થઈ શકે કેમ, પરંતુ હાલની તારીખે એવું કહેવું મુશ્કેલ છે કારણ કે આ જે વેક્સિન છે એ આખા સ્પાઇક પ્રોટીન પર અસર કરતી હોય છે અને મલ્ટિપલ સાઇટ્સ પર અસર કરતી હોય છે। આમાં મ્યુટેશન 1-2 જગ્યાએ થયું હોય છતાં વેક્સિન પોતે ઇફેક્ટિવ રહેશે એવું આજની તારીખે લાગી રહ્યું છે। આમ આ વાયરસનું સંક્રમણ પ્રસાર દર ખૂબ વધુ હોવાથી તમામ દેશોમાં ચિંતા થઈ છે અને પબ્લિક હેલ્થ ઇંગ્લેન્ડે જે WHOને લેટર લખ્યો છે કે ભાઈ અમારે ત્યાં જે સ્ટ્રેન છે એનું ટ્રાન્સમિશન રેટ ખૂબ વધુ છે, આથી એ ડિસીઝ આખી દુનિયામાં ન ફેલાય માટે તમામ દેશો 31 ડિસેમ્બર સુધી ઇંગ્લેન્ડ જતી અને ઇંગ્લેન્ડથી આવતી ફ્લાઇટો પર પ્રતિબંધ લગાડ્યો છે। ખબરો કા સિલસિલા ખત્મ કરને સે પહેલે એક નજર આજ કી ખાસ ખબરો પે। UK में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। कोरोना वायरस से दोगुने घातक नए स्ट्रेन के बारे में बीआरजी न्यूज से डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने की खास बातचीत। मध्य गुजरात किसान संगठन की ओर से कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शहीद किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। रावपुरा पुलिस ने किसान अग्रणियों को किया गिरफ्तार। EGSU ग्रुप की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को दिया गया आवेदन। SY और TY बीकॉम के मॉक टेस्ट फिर से करने की गई मांग। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।